उच्च न्यायालय ने सर्वे नंबर 168 में स्थित 50 से अधिक अवैध दुकानों को तोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर को 7 दिन में आदेश का पालन करके रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व में न्यायालय के आदेश से तहसीलदार द्वारा दुकानों में की गई थी तालाबंदी। वक्फ बोर्ड द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर किया गया था दुकानों का निर्माण। उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण मानते हुए दिए दुकान तोड़ने के आदेश। इस अवैध निर्माण को तोड़ने का मामला माननीय हाईकोर्ट में चल रहा था। माननीय हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2018 को आदेश देते हुए कलेक्टर गुना को आदेशित किया था कि ये जो अवैध अतिक्रमण किया गया उसको तोड़कर 4 फरवरी 2019 को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, तुष्टिकरण की इस इमारत को तोड़ने से रुकवाने के लिए बहुत लोग सक्रिय थे। उसका नतीजा निकला कि समय समय पर अलग अलग तारीखों पर हाईकोर्ट इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट मंगाती रही, लेकिन प्रशासन द्वारा कंप्लायंस रिपोर्ट जमा नहीं की गई, जिसमें कि 4 फरवरी के बाद 21 फरवरी 1 मार्च 18 मार्च को अलग अलग तारीखों पर कलेक्टर से कंप्लायंस रिपोर्ट मंगाई, लेकिन कलेक्टर साहब ने अतिक्रमण को तोड़ के कंप्लायंस रिपोर्ट जमा नहीं करी। अब वर्तमान में 25 मार्च 2019 यानी कि जो निकला है परसों, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर सर्वे नंबर 168 में स्थित अवैध निर्माण को तोड़कर हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करें।